होटल शारदा क्लासिक, अगर आप मणिकर्ण में रुकना चाह रहे हैं तो एक अच्छा स्टे ऑप्शन है। हमने यहीं पे अपना अकोमोडेशन बुक करवाई है। मैं आसपास लोकेशन दिखाता हूँ। ये है बस स्टैंड पार्किंग, ये मणिकर्ण का मेन बस स्टैंड सामने वो बस खड़ी है, वहाँ पे आपको बस ड्रॉप करेगी। अपनी गाड़ी से आएंगे तो यहाँ पे आप जनरल पार्किंग है, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर दें। चलो ऊपर से अंदर से मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इस होटल का, और ये आपकी गाड़ी भी पार्क करवा देंगे जब आएंगे। तो ये इनका मोबाइल नंबर है बुकिंग कराने के लिए, कॉन्टेक्ट नंबर है, एंट्री है यहाँ से। ये देखो ये एंट्री है, ये रिसेप्शन है। ये हेलो सर, ये प्रेम कुमार ठाकुर जी यहाँ के ओनर, और बड़ी साफ सुथरी अकोमोडेशन है। ये रिसेप्शन से देखो आप, और इनका पीछे कैफेटेरिया है, रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे भी आप कुछ ऑर्डर करना चाहो तो खाना खा सकते, अच्छा है टेस्ट वाइज भी। ये कैफेटेरिया, और ऊपर जाके मैं जो मेरे मैंने जो रूम बुक करवाया मैं उसको ओवरव्यू देता हूँ आपको। स्टेयर्स से ऊपर जाओ, साफ सुथरा है, बिल्कुल हाइजीनिक, वेल मेंटेन्ड है। और ये स्टेयर्स मेरा सेकंड फ्लोर पे है, इनके पास दो फ्लोर हैं, एक फर्स्ट फ्लोर, ये नीचे फर्स्ट फ्लोर है, ये ऊपर सेकंड फ्लोर। और हमारा ये पीछे इस तरह से बालकनी रूम्स हैं सारे, 210, 211, 12, 13। अब अपनी टीम को सरप्राइज देता हूँ मैं। और ये हमारा लास्ट रूम, रूम नंबर 214, ये हमने बुक करवाया था टीम को। हेलो, ये हमारी पूरी टीम मणिकर्ण सीजन की। और ये देखो इस तरह से रूम है, ये थोड़ा मैसी हो गया, अभी हम उठे हैं सभी। और इस तरह से ये बेडिंग है, साफ सुथरी थी। ये बाथरूम है, और डायरेक्ट गर्म पानी भी आ रहा है, जो सल्फर का पानी या गर्म हॉट स्प्रिंग का जो अंदर यहाँ से मणिकर्ण के लिए जो पॉपुलर है, जिसके लिए मणिकर्ण पॉपुलर है हॉट वाटर के लिए। ये पार्वती नदी, और वो सामने आपका गुरुद्वारा मणिकर्ण साहब। और ये ब्रिज जो देख रहे हो आप, ये होटल से बाहर निकलते ही ब्रिज से ही आप मार्केट के होते हुए आप उस गुरुद्वारे तक पहुंच जाएंगे, रास्ते में मार्केट देखते हुए। और आसपास की लोकेशन देखो, हाँ जी, होटल का कैसा रिव्यू है, रात का स्टे कैसा रहा? अच्छा था ऑप्शन, मतलब कि आपको साफ सफाई है, आप आराम से थोड़ा रश से शांति में रह सकते हो। तो नीचे ओनर है, वो भी आपके साथ कोऑपरेटिव है, और इस तरह से ये रूम रहेगा, बाथरूम भी साफ है, खाना भी अच्छा है इनका, खाना भी अच्छा, चाय भी अच्छी है, चाय सबसे बढ़िया लगी हमें। चाय वगैरह खाना इनका अच्छा है, तो और हमने जैसे ये डबल बेड था और एक्स्ट्रा बेडिंग करवाई थी, हम ज्यादा बंदे थे तो इन्होंने एक्स्ट्रा बेडिंग भी कर दी थी। तो आप सबका कैसा रहा कल रात का स्टे? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। हाँ, तो अच्छी प्रॉपर्टी, अगर आप यहाँ बुक कराना चाहे तो हमने डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दिया, और स्टार्टिंग में भी रिसेप्शन बोर्ड के ऊपर नंबर था, उससे भी आप कॉल करके, इनके ओनर का नाम है प्रेम कुमार ठाकुर जी, और हमें इन्होंने इस रूम के चार्ज किए हैं 1800 रूपए, क्योंकि ये अभी जून है तो पीक सीजन होता है, और वीक डेज का रेट है ये, तो इनके रेट वेरी करते रहते हैं, नेगोशिएबल है या हर दिन के अलग रेट है। तो जब भी आप आए उससे पहले फोन करके अब इनको बुकिंग करा के ही आए, और अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं तो वीकेंड पे चार्जेस बढ़ते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, आप फोन करें और अपने रेट फाइन करके बुकिंग कराएं। ओके जी, बाय बाय बाय, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ना भूलें, बाय बाय।